अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, कैसे हैं? अच्छा जी, दो दिन का थोड़ा गैप आ गया था, तो ये अभी आपको बता दें क्या मसला था। अभी हम बैठे हुए लीड जोड़ लें, जो हमने पिछला व्लॉग डाला था लीड की जुगाड़ की थी, तो हमारे बेटा जो है अब्दुल हन्नान में छोटा है, वो लीडें खींचता रहता है तो तोड़ देता है। अब उसने दूसरी लीड भी तोड़ दी, तो हमारी बेगम ने लो जी आपके बेटे ने नुकसान कर दिया। अब कहते हैं ज़रूरत जो है ना ईजाद की माँ है, और भाई कारोबार की जो पोजीशन है पाकिस्तान में इस टाइम ऐसी है कि जिसकी कोई हद नहीं, और डॉलर भी इतना ऊपर हुआ कि लीडे वीडे सब महंगी हुई है, तो हमने लाओ भी इसको दोबारा जुगाड़ करें। तो हमने दो लीडे और निकाली और हमने बैठ के ना इसकी जुगाड़ शुरू करी। तो अब हमने क्या करा, कैंची तो थी नहीं, तो हमने छुरी से काटा। अब छुरी से हम जो ना इसको छील लेते, तो अभी हमारा बार बच्चा भी हमारे को बार बार तंग कर रहा था आकर, और जो है ना इसको छीन रहा था और खींच छील रहा था। अच्छा, हमारा जो है ना व्लॉग हम दो दिन का इसलिए नहीं डाल सके क्योंकि हमारा जो है ना घर में वाईफाई हमने लगाया हुआ नहीं है, 4G चलाता हूँ मैं, और मुझे 4G ही अच्छा लगता है क्योंकि उसके नेट की स्पीड अच्छी होती है। यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ पे नेटवर्क जो है ना उसके जो आप नेट की डिवाइस चलाते हैं सर्विस, वो अच्छी नहीं है। जहाँ भले जितनी भी 10 MB ले लो, 20 MB ले लो, मगर जो है ना मज़ेदार नहीं है। मैंने फाइबर भी खिंचवाई थी घर के ऊपर, मगर जो है ना वो मज़ेदार नेट नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं अपना जो है ना वालिद का जैज़ वालिद का पैकेज करा के रखता हूँ। तो दो दिन का जो है नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, सिंगल जो है ना सिग्नल नहीं आ रहे थे, और सिम के नेट वगैरह सब जो है ना बंद थे, तो इसलिए जो है ना मैं ब्लॉग डाल नहीं सका था। तो अब हम जो बैठे हुए यहाँ पे, हमने बोला चलो भाई इसको अब क्या करें, तो हमने जो है ना इसको छीला। अब छील कर हम जो है इसके तार निकाले, अच्छे इसके तारे होते हैं बारीक बारीक, अब उसको बड़े एहतियात से छीलना पड़ता है इसको ना छिकीने, तो इसलिए हमने थोड़ा सा जो है ना उसको दांतों से छीला और उसको छील के बिल्कुल सह गया, क्योंकि बारीक बारीक तार होते हैं और सबको जो है ना कलर वाइज हमने जो है आपस में इसको मर्जिंग करनी होती है। तो अब क्या करें कि अब जो है ना भाई आपको पता ही है हालत का जो है ना प्रॉब्लम कैसा चल रहा है। तो भाई 400-500 रुपए की लीड लाया बंदा, और फिर जो है ना वो भी जो है ज़ाया हो जाए। तो हमने बोला चलो भाई इसकी जुगाड़ी के लिए अभी देख रहे हैं, अब ये तार सारे हम जो है धातु से छील लें, क्योंकि छुरी से या कैंची से तो नहीं काट सकते थे, क्योंकि बारीक तार होते हैं बिल्कुल टूट जाए। तो हमने उनको धातु से हल्के हल्के छील के और उनको जो है ना हमने आपस के अंदर ज्वाइनिंग करी। अब ज्वाइन देंगे आपको, ज्वाइन करते हुए दिखाते हैं इसको, और इसको जो है ना आगे आपको भी अब ये देखें हम जो है ना ज्वाइन कर रहे हैं इसको, ये आपस के अंदर हमने सारे जो है ना। अच्छा, इसके अंदर पता है इस तरह चला, जो लाल इसमें एक फ़ायदा ही हो गया कि दो दो लीडें ली थी ना हमने, वो एक ही तरह की हमें मिल गई थी, तो उसके अंदर जो है ना रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, तो ये सारे कलर निकले, तो हमने आपस में उनको बासानी जोड़ लिया। अच्छा, इसमें दो कलर जो दो थे ना वो प्लस के थे, जो उसके अंदर मोटे वायर डले हुए थे, और बाकी जो ना वो सब अर्थ के और माइनस उसके तार थे, तो उसको थोड़ा जोड़ने में प्रॉब्लम होती थी, वो बारीक बारीक तार थे। अब उनको सबको हमने आपस के अंदर बारी बारी जो है ना ज्वाइन कर लिया, और फिर हम इनको जो ना अब अलग अलग हमने इनको टेप भी किया था। अभी आपको दिखाते हैं आगे, हमने टेपिंग भी इसकी वीडियो की थी बनाई है, वीडियो टेपिंग की ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो अब हम जो है उसको बनाते जा रहे थे कि चलो जी अब इसको ये हमारा अब देखें ये सारा ना काम हो चुका है। अभी हमने कर लिए सबको, हम अलग अलग कर रहे हैं ताकि आपस के अंदर जो ना आपस में टकराए नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो या तो वो हीट हो जाएगा मोबाइल में, मोबाइल ख़राब हो सकता है या चार्जर उड़ सकता है। तो ये हमने सबको बिल्कुल अलग अलग कर लिया। अब घर के अंदर वो वाला क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक टेप था नहीं, तो वो नोट जोड़ने वाला टेप था, वो सुहाना है ना हमारी बेटी, उसके पास था, तो उसने बोला पापा मेरे पास है, तो हमने जो है ना उसी से जुगाड़ करके और वो जो वाइट ट्रांसपेरेंट टेप आता है ना उससे हमने इसको फुल कवर करके टेप कर दिया, और टेप करके हमने उसको ऐसा कर दिया कि आप इसको आप खींचो तो ये देखें आप ये ना ये वाला टेप हमने यूज़ किया था। अब भाई जुगाड़ थी तो फिर जुगाड़ तो फुल जुगाड़ होती है ना भाई, तो ये हमने टोटल इसको इस तरह करके और उसको जो उसका कवर निकला था ना उसी कवर के अंदर हमने तार को लगा के और फुल इतना टाइट कर दिया कि अगर यहाँ से ये मुड़े उड़े तो इसके ऊपर ना कोई फ़र्क ना पड़े। तार तो हमने जोड़ लिए थे और उसको टेपिंग वेपिंग भी हमने फुल पैक कर दिए थे, बस दिल में यही था कि अल्लाह पाक जो है ना इसको कामयाब कर दे, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर हमारे 400 रुपए की हमें लानी पड़ती। अच्छा, तो जब हम यहाँ पे उठ के आए तो सुहाना जो है वो लगा के बैठी हुई थी स्त्री, उनके भाई के कपड़े इस्त्री कर रही थी, उनका भाई जो सुबह जाता है मदरसे, तो रात को जो है ना वो इस्त्री विस्त्री करके रख देते हैं कि सुबह जो है ना वो जाता है 8 बजे मदरसे पढ़ने के लिए ना, वो हिफ्स करने के लिए जाता है। तो आप लोग भी दुआ करेंगे बासित जो है ना हमारा जो बेटा अब्दुल बासित वो जल्द से जल्द जो हाफिज़ बन जाए, और ये हमारी बेटी देखें छोटी छोटी सी उम्र के अंदर ना सारे काम माशाल्लाह से संभाल लिए इसने। अब ये उठी उठ के जो है ना ये भी अपने स्कूल की भी तैयारी करेगी, इसने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए थे।
मेरे कपड़े भी कभी कभी ना ये इस्त्री कर देती है सुहाना ना, जब भी मम्मा इनकी लगी होती है कहीं किसी काम में या कुछ कर रही होती है तो ये मेरे कपड़े भी इस्त्री करती है, अपने भी कर लेती है। माशाल्लाह से बेटियाँ होती ही इतनी अच्छी है ना कि सारे काम संभाल लेती हैं। और ये मेरे है भी सर चढ़ी ना, इसको मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ साली को। अच्छा जी, अब जो है ना अब ये फारिग हो तो फिर हम फटाफट जो है ना अपना ये तार चेक करें कि जो है ना इसको ये हमारी चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा अभी हमारा जो छोटू शैतान है ना हन्नान, वो दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल में, अभी वो झूले वूले के अंदर है या बासित के साथ खेल रहा है, तो अभी देखते हैं वो है कहाँ पर, उसको आवाज़ लगाते हैं। वो दोनों भी यहाँ पे है नहीं, वरना या तो बासित फ्री फायर खेल रहा होगा मोबाइल के अंदर, या फिर जो है ना वो उधर मम्मा के साथ कुछ ना कुछ कर रहा होगा। ये देखो ये, अच्छा मुन्ना तो ये रहा, मुन्ना तो बॉल के साथ खेल रहा है और बासित भी उसके साथ ही खेल रहा है, तो ये दोनों शैतान एक ही जगह पर लगे पड़े हुए थे। अब चले हम देखते हैं, अब भाई हमने चार्जर लगा दिया है और भाई बेगम भी आ गई है, हमने उनसे मोबाइल मांगा है तो ये हमने लगाया बिस्मिल्लाह पढ़ के, और ये हमारा जो है 64% जो है इसने चार्जिंग का दिखा दिया। अब वो दिखा बेगम ये कह रही थी कि भाई देखें आप, क्योंकि इसका जो ना ये नोट 20 सेट है तो इसका मसला ये है कि फास्ट चार्जिंग इसके लिए चाहिए होता है, हैवी चार्जर। तो वो ये कह रही थी कि देखा है आप इसके अंदर, देखें फास्ट चार्जिंग लिखा बाहर है नहीं आ रहा, तो हमने दो बार लगा के देखा तो नीचे जो है ना उसके फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा था। दिखाते हैं आपको, ये देखिए फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर ना, और 38 मिनट्स के अंदर ये बैटरी फुल करने का बोल रहा था। अब हमारा बेटा है ना अब्दुल हनान, वो जो है ना बड़ा तबाही है, तो उसने देखो उसका ना कवर भी उखाड़ उखाड़ के ना पूरा फाड़ दिया है ऊपर का ना जो प्रोटेक्टर है। अब वो जाएंगे हम सदर तो प्रोटेक्टर लगवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।